अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जनाब, ये हमारे पास P115 रिले है, इसमें हम जो कमिश्नरिंग के दरमियान जो जो चेक्स करने हैं ना, वो हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जी बट सर, अच्छा सर, सबसे पहले राइट वाला बटन क्लिक करना है सर। ठीक है, ये सेटिंग ग्रुप 1 आ गई है। ठीक है, इसके अंदर डाउन का बटन ओके करना है। ठीक है सर, एंड उसके बाद ये ओवरग्राउंड है, ये तो अभी नहीं ले आना, इसलिए ये पूरा डिसेबल है। ये ट्रिप के ऊपर होनी चाहिए और इसकी जो करंट है आपके लोड के हिसाब से, अभी फर्ज करें हम 100% करना चाहते हैं, 1 करते हैं पूरा। 100% अगर करना चाहते हैं तो ये 1 कर देंगे। आपकी जितनी सिटी है उसके मुताबिक जो है ना ये अब ये फिर। फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये है कि सिटी हमारी 300/5 की है या 400/5 की है, इसका मतलब है कि वो 300 एम्पीयर के ऊपर सेट हो गई 300 है। एम्पीयर के ऊपर ही अगर आपने 100% कर दिया है 1.00, तो जी आपकी ये फुल सिटी जो है ना उसके बराबर फीड हो गई है। ठीक है, उसके बाद ये कर्व्स हैं जो आप सिलेक्ट करना चाहिए। हमने वैसे DMT पे इसको सेट किया हुआ है और ये डिले टाइम है। डिले टाइम ये भी आप इंटरनल 3 सेकंड रखेंगे। मैक्सिमम हमने 3 सेकंड किया हुआ, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आप करना चाहते हैं वो कर लें। उसके बाद आई डबल ग्रेटर देन आ गया, ये ओवर करंट का शॉर्ट सर्किट है, इसको भी हमने ट्रिप पे रखा हुआ है। और इसकी जो थर्ड शॉर्ट है जो हमने ये 4 टाइम रखते इसको हैं, 4 टाइम रखना है हमने स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड 4 टाइम है, 4 टाइम रखा हुआ है। और दूसरा, अगर चाहे आपका ट्रांसफार्मर अगर किसी रश करंट ज़्यादा है तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको भी DMT कर देनी है ताकि फौरी ये ट्रिप हो जाए। और टाइम मिनिमम सेटिंग जितना हो सकता है 0.02 सेकेंड। ओके ठीक है, ये मिनिमम टाइम है। ठीक ये है, आपकी ओवरग्राउंड और शॉर्ट सर्किट की हो गई है। अब इसको आगे चलते हैं ग्राउंड अर्थवाल्ड फॉल्ट के में। ऊपर। ठीक है, अर्थवाल्ड आ गया, इसको हम डाउन करते हैं, इसको भी हम ट्रिप पे कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम रखते हैं 20%। हाँ जी, 20% का मतलब है कि फर्ज करें अगर आपका 100 एम्पीयर का सिटी है तो तो 20 एम्पीयर बीस जैसे करंट एम्पीयर फ्लो होगा तो रिले ट्रिप कर जाएगी। इस ये हमने DMT कर दी है और 3 सेकंड टाइम आ जाएगा टाइम दे रही है। ठीक है, उसके बाद आई डबल ग्रेटर देन आ गया, अर्थ फॉल्ट का शॉर्ट सर्किट आ गया। ठीक है, इसको ट्रिप कर देना है और इसकी सेटिंग जो है 4 टाइम, शॉर्ट सर्किट जो है हम 4 टाइम इसको सेट कर देंगे। ठीक है, उसका टाइम जो है 0। बस ये चीज़ें हैं अच्छा, ओवर। इसमें 4 पैरामीटर हमने बताए हैं, यानी 51 मतलब ये है कि ओवर करंट, 51N आपका होता है अर्थ फॉल्ट, और 50 होता है इंस्टेंट शॉर्ट सर्किट ओवर करंट के ऊपर, और 50N होता है इंस्टेंट इंस्टेनियस शॉर्ट सर्किट अर्थ फॉल्ट के ऊपर। अच्छा बट साहब, सिटी रेशो कैसे कन्फिगर करते हैं वो सिटी तो इसका? वैसे अगर जो हमने भेजा हुआ पैनल करके तो उसमें ऑलरेडी फीड होती है, फिर भी अगर वो चेक करना चाहते हैं ग्लोबल सेटिंग के अंदर जो है ना इसकी सीटिंग है। ठीक है, इसको डाउन किया तो जो है ना आप करेंगे ये सिटी रेशो का आ जाएगा। ठीक है, इसको फर्ज करें फिर 100/5 की करना चाहते हैं हम, 100/5 अगर करेंगे तो आप 100 यहाँ पे फीड कर दें। ठीक है, सेकेंडरी 5 एम्पेयर हमने रखी ठीक है, है इसमें डबल ऑप्शन है नहीं सिंगल ये। ठीक है, और ये ग्राउंड भी और जो जब है भी ना, हमने अपना ये ख्याल रखना है कि जो ये ग्राउंड फॉल्ट और फेज की दोनों की सिटी रेशियो एक ही होगी। हाँ जी, जो वैल्यू इसमें होगी वो इसमें आएगी क्योंकि ग्राउंड की ज़्यादा सिटी नहीं होती है, ये दोनों पे एक जैसी ही फीड करनी है, 100 इधर 100 इधर। ठीक है, और यहाँ से कोई चीज़ और सर इसके बारे में ये है, जो भी आपने पैरामीटर इसके अंदर सेट कर दिए उसको जब तक ये लाइट ब्लिंक कर रही है ना ये सेव नहीं हुई। ठीक है, इसका सेव करने का तरीका की है कि लेफ्ट वाला बटन प्रेस करना है। ठीक है, ये सेटिंग चेंज मोड आएगा। ठीक है, इसको डाउन का बटन प्रेस करके प्रेस एंटर, ये एंटर हो गया। ठीक है, अब ये जितनी हमने सेटिंग इसमें की है वो सेव हो गई। सेव हो गई बिल्कुल ठीक है। और अपना जो LEDs हैं जो फैक्ट्री से कन्फिगर करके भिजवाते हैं, जो पहली 2 LEDs हैं वो स्टैंडर्ड हैं, इसके बाद जो अपना अगली 3 आ रही हैं ये फर्ज करें ये LEDs है। ठीक है, इस पर ये आपकी है रेड फेज के ऊपर अगर ओवरलोड होता है, फिर येलो पे ओवरलोड होता है, फिर ब्लू फेज पे ओवरलोड होता है, इससे नीचे LED है आपकी अर्थ फॉल्ट के ऊपर कोई भी फेज अगर रेड है या येलो या ब्लू है, और इसके नीचे है आपका शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट चाहे आपका ओवरग्राउंड के ऊपर हो या अर्थ फॉल्ट के ऊपर हो, इससे नीचे जो LED है स्पेयर रहती है। और बट साहब ये भी बता दें कि अपना जब फॉल्ट आता है तो उसको फॉल्ट को देखने के बाद रीसेट कैसे करेंगे रिले को? ये जस्ट ये सी का बटन है, LEDs ऊपर आई होंगी, ये जैसे ये देखे हुए ये मैंने प्रेस किया है, ये सारी LEDs ब्लिंक हो गई हैं और सारी चली गई हैं, ये रीसेट हो गया। और लास्ट ट्रिपिंग अगर देखना चाहते हैं हम, हाँ वो उसको आप फॉल्ट रिकॉर्डर है, ये रिकॉर्डर ठीक है, इसमें ये फॉल्ट रिकॉर्डर आएगा। ठीक है, अभी तो इसमें ये नहीं रिले है ना, इसमें नहीं है तो लेकिन जैसे यहाँ ही पे आप आप जाएंगे तो आप पे इसके आपको पता चल जाएगा कि लास्ट टाइम जो ट्रिपिंग आई है वो किस टाइम में आई है और कितने बज के कितने मिनट पे और किस डेट को आई है, सारी यहाँ से रिकॉल कर सकते हैं।
ठीक है जी, और हाँ जी बस ठीक है सर, थैंक यू, ओके बाय बाय।